हेलो एंड वेलकम टू इकोपीडिया। स्वागत है आपका एमसीक्यूज में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज कर रहे हैं हम। इससे रिलेटेड अगर सजेशन क्वेरी आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडिया सेकेंड फाइव ईयर प्लान। सो इंडिया में जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर बेस्ड था इन चारों में से? तो हमारा जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था वो 1956 से लेकर के 1961 तक था, करेक्ट। और ये महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। सो राइट आंसर डी होगा। अब पीसी महलनोबिस जो थे, उन्होंने यूएसएसआर मॉडल को स्टडी किया था, ठीक है। सो यूएसएसआर मॉडल क्या है? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये मॉडल जो है फर्स्ट सोवियत यूनियन में 1922 में ये इंप्लीमेंट किया गया था। फिर महलनोबिस, पीसी महलनोबिस जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको स्टडी किया, देन फिर इसमें मॉडिफाई किया इंडिया के लेवल पे, और फिर हमारा जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था इस मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। और इसको इंडिया में महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, करेक्ट। और जो हमारा सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसके जो बेसिकली जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे उसके डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, करेक्ट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज, जेएफ मीड पॉइंटेड आउट थ्री प्रिंसिपल्स मींस ऑफ ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द लिस्ट। अब जेएफ मीड ने जो तीन प्रिंसिपल दिए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, उनमें से यहां पर कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है सी, डी वैल्यूएशन। उन्होंने ग्रोथ ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात की है, ठीक है। उन्होंने कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में भी बात की, टेक्निकल प्रोग्रेस की भी बात की है। जो बात नहीं की है वो है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन इज द राइट आंसर। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, परस्पेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू, परस्पेक्टिव प्लानिंग क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वेयर टारगेट्स आर फिक्स्ड फॉर लॉन्ग रन, करेक्ट। परस्पेक्टिव प्लानिंग क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, अकॉर्डिंग टू किन्जियन इकोनॉमिक्स के अनुसार, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट इन टू इक्विलिब्रियम बाय वेरिएशंस इन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इक्वेट किया जाता है, ठीक है, इनकम में चेंज करके, वेरिएशंस इन इनकम। सो राइट आंसर इज ए, इनकम। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, which of the following concepts which are now extensively used in growth economics was first formulated by Keynes? So growth theories mein jo hai extensively use kiya jata hai in concepts ka, so wo concept kaun se hain jo Keynes ke dwara formulate kiye gaye hain aur unke dwara extensively unki jo growth theories hain usme unka use bhi kiya gaya hai। सो कीन्स को जो हम पढ़ते हैं तो हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पाते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव भी पाते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, द सेकंड स्टेज ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। नाउ देखिए, अब यहां पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से क्वेश्चन आया, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो है तीन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? प्री इंडस्ट्रियल स्टेज।
करेक्ट। एंड सेकंड स्टेज क्या होती है, ट्रांजिशनल स्टेज होती है। नाउ थर्ड क्या होती है, इंडस्ट्रियल स्टेज होती है, इंडस्ट्रियल स्टेज, करेक्ट। अब उन्होंने इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज होती है ट्रांजिशनल स्टेज, और ट्रांजिशनल स्टेज में क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड फॉलिंग डेथ रेट। मतलब क्या है कि ट्रांजिशनल स्टेज में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बेटर सैनिटेशन है, एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड है, फूड का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, बर्थ रेट हाई होता है एंड डेथ रेट जो है कम होता है, मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होता है, करेक्ट। सो राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन विच एक्सप्लेन्स, अब देखिए सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच एक्सप्लेन्स द परपेचुएशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट थ्रू ग्रोविंग इनइक्वालिटीज बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो यहाँ जो इनइक्वालिटीज हैं डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन की जो थ्योरी है वो उस चीज को एक्सप्लेन करती है। सो ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी गुनर मेडल ने, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी, गुनर मेडल 1956 में उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी, करेक्ट, सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन की जो थ्योरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विद विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ड्यूअलिज्म इज एच मिंट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद। अब देखिए यहां पर जो एच मिंट है वो क्या है, हाला मिंट। हाला मिंट क्या है, ही वॉज ए बर्मीज इकोनॉमिस्ट। सो हाला मिंट जो थे वो बर्मीज इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म की जो थ्योरी थी वो दी थी। फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, करेक्ट। सो उन्होंने जो है फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म की थ्योरी में अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की बात की है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड मनी है एक तरफ और दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब ये सब बैंकिंग सेक्टर वगैरह, करेक्ट, एंड ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, मतलब जो लोकल लेवल पे काम करती है, जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां पर ट्रांसपेरेंसी है, करेक्ट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन ए सेंट्रल प्लेस बाय शूमपीटर इन हिज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब शूमपीटर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने सेंट्रल प्लेस पर किस चीज को रखा है, उन्होंने रखा है केंद्र में रोल ऑफ इनोवेशन को। रोल ऑफ इनोवेशन क्या है, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू पॉलिसीज। तो उन्होंने कहा कि जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कैन अर्न प्रॉफिट, ठीक है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसीज लाकर न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, उस चीज को उन्होंने जो है रोल ऑफ इनोवेशन कहा, उसको इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कहा, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, रोल ऑफ इनोवेशन। सो इसको जो है आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ा सा जो चीज क्लियर नहीं है। शूमपीटर की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, पूरे इंटरनेट पर कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द शूमपीटर्स मॉडल, अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो वहीं से ऊपर से आ गया, एक जो शूमपीटर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द शूमपीटर्स मॉडल द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर गेट द नेसेसरी फाइनेंस। अब जो फाइनेंस है मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां से प्राप्त करेगा, सो इसमें जो राइट आंसर है वो सी है, बैंक क्रेडिट। सो बैंकिंग सिस्टम से जो है वो बोरोविंग करेगा, मतलब बोरोविंग फ्रॉम बैंक, करेक्ट। तो यहां पर क्या कहा गया है, क्रेडिट क्रिएशन फ्रॉम बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी, बैंक क्रेडिट।
नाउ ये हमारे जो है 10 क्वेश्चन हो गए और होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।